बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव नगलकरण की अस्थायी गौशाला पर अनूप शहर विधायक संजय शर्मा ने ग्राम प्रधान, पशु चिकित्सक और एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शुक्रवार रात से गौशाला पर डेरा डाल लिया है। रात 11 बजे एडीएम प्रशासन मौके पर पहुंचे। सुबह 7 बजे डीएम रविंद्र कुमार भी गौशाला पर पहुंचे। यहां डीएम और विधायक के बीच किसी बात को लेकर हॉट टॉक हो गई। विधायक संजय शर्मा का कहना है कि गौशाला में लगातार गौवंश की मौत हो रही है। जेसीबी मंगाकर अवशेषों को निकलवाया जा रहा है। वह लखावटी ब्लॉक का पूरा अमला और विधायक करीब 15 घंटे तक गौशाला पर जमे रहे। उधर देर रात पशु चिकित्सक डॉक्टर चंद्रजीत सिंह, ग्राम प्रधान विकास राघव और एडीओ लखावटी श्रीपाल सिंह के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई। वहीं शनिवार दोपहर को अधिकारियों से खुली बैठक और डीएम द्वारा गौशाला में पहुंचकर गौवंशों को चारा खिलाने के बाद विधायक संजय शर्मा ने धरना समाप्त कर दिया। दरअसल आज सुबह गौशाला में धरने के दौरान डीएम और भाजपा विधायक के बीच गौशाला की बदहाली को लेकर हॉट टॉक हुई थी। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आपके अनुसार आप चूंकि यहाँ पे माननीय जनप्रतिनिधि और कोई दिक्कतें हैं जो तो हमने मुझे तो अभी दिक्कत क्या अभी है क्या ये बता दीजिए। आप अपने से एक टोकरी चारा डाल दीजिए गौशाला में, दिक्कत क्या होगी? हमारा यही काम है कि मैं डेली यहाँ के चारा नहीं, आज अभी मैं उपलब्धता की बात कर रहा हूँ। आप उपलब्धता देखिए। नहीं नहीं, हमारा काम हमें राज्य सरकार ने इसलिए नहीं रखा कि हमें चारा खिलाए। नहीं, आप एक टोकरी चारा देख तो लीजिए है यहाँ पर, इतनी सारी तो है, चारों बगल तो हरियाली है। बिल्कुल देखिए, वो फालतू का बात मत कीजिए। वायरल वीडियो में डीएम को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि सरकार ने उनको चारा खिलाने के लिए नहीं भेजा है। हमारा काम हमें राज्य सरकार ने इसलिए नहीं रखा कि हमें चारा खिलाए। वहीं दोपहर करीब 1 बजे डीएम और एसएसपी सरकारी अमले के साथ धरना स्थल गौशाला पहुंचे और विधायक के साथ खुले में बैठक की। तीन चीजें प्रमुख रूप से की गई है, क्योंकि पशुधन के लिए जिला पशु चिकित्सा अधिकारी उनका कस्टोडियन होते हैं पूरे जिले में, तो उनके कहीं पर उनकी मृत्यु किसी भी की अधिकारी की गलती से ना हो, उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं हो रही हो या ऐसी कोई चीज़ हो तो उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। तो उनकी जहां पर भी जिलाधिकारी महोदय को लगा होगा कि उनकी गलती है, उसके आधार पर उन्होंने उनके खिलाफ एक रिपोर्ट भेजी है शासन को, उस पर हम कार्रवाई का इंतजार करेंगे, क्योंकि प्रमुख सचिव भी उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा, जिनको उन्होंने निश्चित रूप से दोषी पाया और उनके अधिकार क्षेत्र में थे, उन पर उन्होंने एफआईआर के आदेश कर दिए। और तीसरा जो हमारी विशेष चीज़ थी कि ये विषय सिर्फ नगलाकरण की गौशाला को लेकर आज तक वाला मैं पुरानी जगह, ये पूरे 154 गौशालाओं में कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों का या गायों को लेकर के जो उनकी चिंता है वो कैसे लागू हो, उसको लेकर के एक एसओपी तैयार हो। तो एक रूपरेखा उन्होंने मुझे दी है, इसको मैं पढ़ के, उसमें कुछ और सुझाव होंगे तो मैं दूंगा, ताकि हम सब गौशालाओं पर एक तरह की एक क्रिया कार्यप्रणाली और गतिविधि का एक रजिस्टर और सब चीज़ें लागू कर सकें, और कोई दोषी हो तो तुरंत उसे भी ये कहने का मौका ना मिले कि मेरे को तो ऐसा नहीं कहा गया था। तो जब एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी सिस्टम, एक एसओपी रहेगी, तो कोई अपने उससे नहीं बच पाएगा। कुल मिलाकर संतुष्ट हैं आप? हाँ, मैं पहले भी संतुष्ट था। ये वायरल हो रहा है जिसमें कि सर आपकी और डीएम साहब की सुबह बहुत तीखी नोकझोंक हो रही है, आप डीएम साहब से चारा खिलाने के लिए, डीएम साहब ने कहा मैं चारा खिलाने के लिए नियुक्त नहीं। ये तो मैं डीएम साहब से पूछिए, मेरी कोई नोकझोंक नहीं है, हम लोग आपस में बात कर रहे थे। ठीक है। वो आश्रय स्थल में सिस्टम चुस्त दुरुस्त रहे, जिला प्रशासन हमेशा से काम करता रहा। आप लोग देख ही रहे हैं कि रेगुलर भरबंद कर रहे हैं। पूर्व में भी कई जगह का इंस्पेक्शन हुआ है, कार्रवाई भी हुई है, और जिला प्रशासन कोशिश कर रहा है कि हमेशा स्थिति इम्प्रूव होता रहे।
इस गौशाला के संबंध में माननीय विधायक जी ने कुछ बताया था, जांच हुई, कार्रवाई भी की गई है और आगे भी माननीय विधायक जी का जो भी सुझाव आया है बोला है कुछ को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब जहाँ तक पैसे की बात है तो आज मैं सुबह में आया था, यहाँ के लोगों से पूछताछ की, आज से लगभग 3 सप्ताह पहले लगभग 56,000 रुपये दिए गए थे और आज के दिन में यहाँ 68 गोवंश संरक्षित हैं। तो 68 गोवंश के लिए अगर 3 सप्ताह पहले 56,000 रुपये दिए हैं तो मेरे ख्याल से पैसे की कुछ कमी वर्तमान में नहीं होनी चाहिए। बाकी आप देख रहे हैं कि भूसा का ये गोडाउन है, पानी की व्यवस्था है, कुछ कमियां रही होंगी, उसकी जांच करवाई जा रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे कार्रवाई करवाई भी गई है और भविष्य में भी गोवंश पे हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, कड़ी कार्रवाई। नहीं, माननीय विधायक जी आपके सामने में, उन्होंने, माननीय विधायक जी यही हैं, आप माननीय विधायक जी से पूछ लीजिए। मैं आपको बताऊं कि देखिए अभी इस जनपद में हम लोग मनरेगा योजना में 103 नए जो है सेट बना रहे हैं गोआश्रय स्थल में, और एक ग्रास रिसर्च इंस्टीट्यूट है झांसी में, वहाँ से हम लोगों ने 240 क्विंटल नेपियर ग्रास बहुत ही पौष्टिक ग्रास है जो गोवंश के को हेल्दी रखने में मदद करेगी, वो हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है, इस मंडे से उसका सप्लाई हो जाएगा। और जहाँ तक आपको ये कहेंगे कि अभी देखिए परसों में अनूप शहर में 2 गोवंश आश्रय स्थल घूम के आया हूँ, इसके पहले आपको गुलावटी में घूम के आया हूँ, तो जाते ही रहते हैं। अभी तक हमें लगता है मंथली ठीक ठाक संख्या में गोवंश आश्रय स्थल मैं स्वयं जाता हूँ, CDO साहब जाते हैं, अन्य अधिकारी जाते हैं। अब जिन अधिकारियों की लापरवाही हुई उनके खिलाफ। इतना ही नहीं, DM ने गौवंशों को हरा चारा खिलाया, तब कहीं जाकर विधायक ने धरना समाप्त किया। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। Time24 न्यूज के लिए शुभम शर्मा की रिपोर्ट। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।